नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भोपाल के बच्चा वार्ड में लगी आग पर सियासत तेज, कांग्रेस ने की शिवराज सरकार से इस्तीफे की मांग, लगाए गंभीर आरोप। हमीदिया अग्निकांड के बाद सरकार का एक्शन, बुलाई गई बैठक, हो सकते हैं कई अहम फैसले। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने दी कांग्रेस को नसीहत, कहा नकल में भी करना पड़ता है अकल का इस्तेमाल। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की ली चुटकी। और इंदौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ट्रक कटिंग करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश, अपराधियों के साथ माल भी किया बरामद। भोपाल के हमीदिया में सोमवार को हुए हादसे के बाद भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर अस्पताल पहुंची। प्रज्ञा ठाकुर ने इस मौके पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से इस दौरान चर्चा भी की। चर्चा करते हुए उन्होंने यह स्वीकार किया कि वेंटिलेटर में ब्लास्ट के बाद बच्चों के वार्ड में आग लग गई थी। हालांकि उन्होंने प्रशासन का बचाव करते हुए कहा कि प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ आग पर काबू पाया। भोपाल सांसद ने आगे कहा कि बच्चों की असामयिक मृत्यु बेहद दुखद घटना है, मुख्यमंत्री ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नई बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे, इनकी जैसा भी ये तैयार होती है तुरंत होंगे। उनका अपना एक प्रशासनिक जो भी है, नोड्यूज वगैरह जो भी कुछ होता है, तैयार हो जाए उसके बाद शिफ्ट करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आज ये जो हादसा हुआ है, इसकी जांच होनी ही चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो निश्चित रूप से जांच होगी, और कोई दोषी है तो निश्चित रूप से उसको दंड का भागी होता है। और जो बच्चे गए हैं उनके परिजनों को मैं दुख सहन करने की ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, उनको धैर्य दें। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस और इंदौर महिला कांग्रेस ने इंदौर रीगल चौराहे पर कैंडल मार्च किया। इस दौरान शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग भी हुई। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने कहा कि प्रदेश की राजधानी में इस तरह की घटना होना सरकार की बड़ी विफलता है और मुख्यमंत्री को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। हमीदिया अस्पताल में जो घटना घटी भोपाल में, अत्यंत हृदय विदारक है और दुखद घटना है, और उससे हम सब लोग का हमारा मन भी दुखी हो गया है। सुबह हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे हमीदिया अस्पताल में, जब वहाँ पर देखा गया कि जो हालत हमने सोची थी कई गुना उससे ज़्यादा खराब हालत है वहाँ पर। अस्पताल के अंदर भी प्रबंधन ने जाने नहीं दिया, उनको लगा कि उनकी पोल खुल जाएगी। वहाँ 3 बच्चों का मामला नहीं है, वो ज़्यादा बच्चे हैं, क्योंकि 8 से 10 महिलाएँ जो बच्चों की माँ थी वो बाहर भिलक रही थी, रो रही थी सड़क पर, और कह रही थी मेरा बच्चा बदल दिया है, मेरे बच्चा जला दिया है। और वो कह रहे हैं कि अभी बच्चा है नहीं, आपका इस अस्पताल में, उस अस्पताल में। वो बेचारे परिजन कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, परंतु उनको वस्तु स्थिति का उनको सही आकलन उनको बताया नहीं जा रहा है। जो घटना घटी, मुझे तो ये कहते हुए शर्म आती है कि हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं और भोपाल उसकी राजधानी है, और वहाँ पर हमीदिया अस्पताल में आग लग जाती है और वहाँ अग्निशामक यंत्र नहीं है, और वहाँ पर न्यूनेटल केयर यूनिट है, बच्चों की यूनिट बनी है, एक दिन का बच्चा रखा है, 2 दिन का 3 दिन का, उसने अभी आग भी नहीं खोली है, और वो काल कबलित हो गया। इस अग्निकांड के विरुद्ध इंदौर के रीगल चौराहे पर शहर के अध्यक्ष शशि यादव ने कैंडल जलाकर बच्चों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शशि यादव ने कहा कि इतने बड़े हॉस्पिटल में आग बुझाने के इंतजाम नहीं थे, जिसके चलते इतना बड़ा अग्निकांड हुआ, कई माता पिता ने अपने घर के चिराग खो दिए। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल भी वहां मौजूद थे। उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। मुरली राव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने कल एक उलूल जुलूल बयान दिया, जिसमें बोला गया कि ब्राह्मण और बनिए समाज मेरे जेब में है। ये मुरली राव की मानसिकता, सत्ता के नशे में ये नशे चूर हो चुके हैं, इनकी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दिख रही है। इनको लगता है कि जनता कुछ भी है, जनता हमारे सब जेब में है। ऐसी ऊंची मानसिकता के लोग तत्काल रूप से भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए जनता से, कि भविष्य में ऐसी कभी दोबारा वो गलती नहीं करे। आज शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर पुतला दहन किया गया। खाचरोद पुलिस थाने TI रविंद्र यादव पत्रकारों को फुर्सती समझते हैं, ये बात उन्होंने गांजे की धरपकड़ करते वक्त
कवरेज करने गए पत्रकारों को कही। इतना ही नहीं, टीआई रविंद्र यादव ने बीच बाजार में पत्रकारों से बदसलूकी की और उन्हें धमकाने का भी काम किया। टीआई के बोल से, बिगड़े बोल से पत्रकारों में रोष व्याप्त है। जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश की इकाई खाचरोद ने आज मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी, आईजीपी को ज्ञापन सौंपा और टीआई को निलंबित करने के कार्यवाही की मांग की। यदि कार्यवाही नहीं हुई तो पत्रकार संगठन धरना प्रदर्शन करेगा, ऐसी चेतावनी भी दी गई। गौरतलब है कि खाचरोद थाना प्रभारी रविंद्र यादव मंगलवार सुबह 9:30 बजे हाथीथान बावड़ी के एक मकान पर गांजे की शंका के चलते छापा डालने गए थे। खाचरोद पुलिस की इस कार्यवाही की सूचना जब पत्रकारों को मिली और जो पत्रकार वहां पहुंचे उन पत्रकारों को देखकर रविंद्र यादव ने ये कहा कि ये लोग फुर्सत में हैं और इनके पास कोई और काम नहीं है। अब सोचने वाली बात तो यह है कि पत्रकारों का काम ही है कवरेज करना, लेकिन आखिर टीआई यादव पत्रकारों को देखकर बिदक क्यों जाते हैं? क्या कोई ऐसे भी काम है? जिसके चलते टीआई यादव पत्रकारों से इतना चिढ़ते हैं या डरते हैं, पत्रकारों को देखकर घबराते हैं। पत्रकार ने टीआई रविंद्र यादव को तुरंत खाचरोद थाना से निलंबित किए जाने की मांग का ज्ञापन तहसीलदार और एसडीओपी को मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उच्च पुलिस प्रशासन अधिकारियों के नाम देकर किया। तुरंत कठोर कार्यवाही नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। इकाई के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम साहब ने जो इनके साथ ऐसा व्यवहार किया ऐसा बताया जा रहा है उसमें हम इसको उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी तक पहुंचाएंगे और वरिष्ठों से भी इसके संबंध में चर्चा करेंगे। आज टीआई रविंद्र यादव खाचरोद थाना पे पदस्थ है। रविंद्र यादव के बड़े बोल हैं पत्रकारों के खिलाफ, पत्रकारों को अपमानजनक शब्दों से बार बार उनको बुलाना, पत्रकारों को फुर्सत में कहना, पत्रकारों के लिए पत्रकारों को काम डालना या इनका काम लगाना, इस तरह से धमकी भरे शब्द पत्रकारों को दिए हैं जिससे पत्रकार जगत में होश है। सारे पत्रकार इस बात का विरोध कर रहे हैं और टीआई रविंद्र यादव को तुरंत थाना खाचरोद से निलंबित करने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए हमने आज मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, पुलिस अधीक्षक और डीआईजी और आईजीपी के नाम पर हमने ज्ञापन दिया है। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में हुए हादसे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और हृदय विदारक है। मुख्यमंत्री जी इस पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना की जांच की जा रही है, घटना को लेकर कुछ बड़े फैसले जल्द ही लिए जाएंगे। दुखद और हृदय विदारक घटना हमीदिया में घटित हुई। पूरे समय माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा निगाह उस पर रखे रहे। इस घटना की तत्काल जांच के आदेश एसीएस स्तर के अधिकारी द्वारा दिए और रिपोर्ट भी तलब किए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11:30 बजे आपात बैठक इस घटना को लेकर बुलाई है और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय और होने वाले हैं जो आपके सामने दोपहर को आएंगे। इंदौर के किशनगंज थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रक कटिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक ट्रक और चोरी किए गए करीब 222 सर्वो ऑयल के पैकेट जब्त कर लिए, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। दरअसल फरियादी कपूर मसीह, जो कि पंजाब से है, किशनगंज थाने पर रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा। उसने अपने आयशर ट्रक में फरीदाबाद हरियाणा से सर्वो ऑयल के 1506 कार्टून भरकर इंदौर 18 अक्टूबर को सुबह सर्वो ऑयल के डिपो कैप्स टाउन कॉलोनी पिकडंबर में खाली करने के लिए गाड़ी खड़ी की। 21 अक्टूबर की सुबह 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में वो अपने आयशर ट्रक के कैबिन में सो रहा था, तभी आयशर हिलने लगी। जब फरियादी ने उठकर बाहर देखा तो आयशर के पीछे किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपना ट्रक लगा रखा था। उन्होंने कहा कि मेरे आयशर से चिपकाकर जब मैंने लगा हुआ ट्रक देखा तो मुझे समझ में आ गया कि शायद चोरी हो रही है। मुझे देखते ही ट्रक का ड्राइवर और उसके साथ ही अपने ट्रक को तेजी से भगाकर पीथमपुर की तरफ ले गए। मैंने अपनी आयशर गाड़ी को चेक किया तो पाया कि मेरे आयशर ट्रक की सील को कटर से काटकर सर्वो ऑयल के 328 कार्टून चुरा लिए गए,
जो बदमाशों ने चोरी कर लिए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। मुखबिर की सूचना पर गुजरात के गोधरा जिले की गैंग के बारे में जानकारी मिली, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में गुजरात के जिला गोधरा में पुलिस टीम ने दबिश दी और आरोपी कासम ओजेफा और सूफियान को गिरफ्तार कर लिया। चोर के पास से 222 कार्टून जब्त किए गए, साथ ही चोरी में इस्तेमाल किया गया ट्रक भी जब्त कर लिया गया। 22 तारीख की बात है, 22 अक्टूबर की। फरियादी है कपूर मसीह, पंजाब का रहने वाला है। इसने आकर के रिपोर्ट किया था कि उसकी आइसर ट्रक नंबर है DL1GC6234। फरीदाबाद हरियाणा से वो सर्वो ऑयल के कार्टून लेके चला था। कुल 1506 कार्टून थे। गाड़ी वो लेकर के आया था सर्वो ऑयल डिपो कैप्सटाउन कॉलोनी पेगडम्बर में है। 18 तारीख को गाड़ी ला करके उसने वहाँ शाम को 6 बजे खड़ी की थी। उसके बाद 21 तारीख को सुबह करीब 5-5:30 बजे के बीच, चूँकि गाड़ी जो है डिपो के बाहर खड़ी थी, कैंपस के अंदर नहीं थी, तो ड्राइवर अंदर ही सो रहा था उसके, तो उसके आयसर के कुछ हिलने की आवाज़ उसको आई। उस पे से उसकी नींद खुली, उसने जाके पीछे देखा तो एक ड्राइवर अपने ट्रक को जो सटाक के पीछे लगाया हुआ था वो गाड़ी लेकर तेज़ी से भागा। तब उसको यह शंका हुई कि गाड़ी के अंदर से कुछ हुआ है, तो उसने फिर पूरी गाड़ी में चेक किया तो 328 सर्वो के जो ऑयल के कंटेनर थे, कार्टून थे, वो उसको कम मिले। उसके बाद उसने थाने पे रिपोर्ट किया, रिपोर्ट पे थाने पे मुकदमा कायम हुआ। 15 नवंबर को कांग्रेस के जनजातीय दिवस मनाने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। पहले उनकी पार्टी में जनजातीय भाई हैं, उनका सम्मान कर लें, उसके बाद जनजातीय दिवस मनाएं। इस दौरान मिश्रा ने सज्जन सिंह वर्मा का मोबाइल चोरी होने पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि किसी को शायद उनके डेटा चुराने की जरूरत पड़ गई होगी, इसलिए पहले मोबाइल चोरी किया और फिर वापस कर दिया। स्वाभाविक रूप से ऐसे ही जागते हैं वो और ऐसे ही नकल करते हैं वो, उनके ट्वीट भी नकल करके ही आते हैं, और इसलिए जो ट्वीटों का हश्र होता है वही इनका हश्र होगा। सारे ट्वीट देखो आप, 4 दिन का कोयला बचा है, कितनी बार ट्वीट आया, आवाज कहाँ है उनके ट्वीट, कभी खाद पे ट्वीट, कभी बिजली पे ट्वीट, एक एक दो दो दिन के रहते हैं, एक एक दिन के उनके समाचार है, वो यही परिणाम उनको फिर जनता देती है। बड़ी दुखद घटना है, मेरे मित्र हैं सज्जन भैया, उनके मोबाइल कोई नहीं छोड़ रहे, मेरे ख्याल से कुछ कॉल डिटेल निकालना होगी, किसी को तो दे दिया होगा फिर वापस निकाल के। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।